हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। देखिए, ये मैंने छोटी शीट्स बनाई हैं स्प्रिंग रोल की, और ये मैंने समोसा, बड़े समोसे की समोसा पट्टी बनाई है। ये रमज़ान में बहुत हेल्पफुल रहती है, और बच्चों को अगर आप टिफ़िन दे रहे हैं तो भी ये बहुत हेल्पफुल है। इस पर आप समोसे, स्प्रिंग रोल, कीमे के समोसे, चिकन के समोसे, वेजिटेबल समोसा, सब कुछ बना सकती हैं। इसे अगर आप एक ऐसे जिप लॉक बैग में अगर आप स्टोर करेंगी तो आप इसे आराम से एक महीने आराम से यूज़ कर सकती हैं। तो फ्रेंड्स, देख लेते हैं कि समोसा की पट्टी और स्प्रिंग रोल की शीट्स बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। तो मैंने यहाँ पे ले लिया है मेजरिंग कप्स, जो सबसे बड़े साइज़ का होता है वो भर के, और एक उससे जो जस्ट छोटा है कप है वो। तो समझ लीजिए, मैंने 1.5 कप मैदा लिया है, मैंने 1 टीस्पून सॉल्ट लिया है, और ये रिफाइंड ऑयल है, ये मैं सिर्फ 2 टेबलस्पून लूँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैंने ले लिया है एक बाउल, उसमें मैं डाल देती हूँ मैदा। इसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी 1 टीस्पून सॉल्ट। इसे मैं अच्छे से मिक्स कर दूँगी। मिक्स करने के बाद मैं इसमें 2 टेबलस्पून ऑयल डाल दूँगी, आप घी भी डाल सकते हैं, और इसे मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। थोड़ा थोड़ा वाटर ऐड करके मैं इसे गूंथ लूँगी। थोड़ा थोड़ा वाटर ऐड करके ही गूंथते जाना है। तो चलिए मैं गूंथ लेती हूँ। देख लीजिए, ये गूंथ गया है। अब मैं इसे 15 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए छोड़ दूँगी, और फिर मैं आपको शो करती हूँ। ये देखिए, ये आटा बिल्कुल गूंथ के एकदम तैयार है। अब हम इसकी लोई बना लें। ये देखिए, हमने एक चॉपिंग बोर्ड ले लिया है, इसमें अच्छे से इस आटे को और अच्छे से गूंथ लेंगे। बिल्कुल सॉफ्ट होना चाहिए हमारा आटा। डस्ट कर देंगे। और इसे पतला पतला लंबा लंबा कर लेंगे आटे को। इक्वल साइजेस में कट कर लेंगे। और इसकी एक लोई तैयार कर लेंगे। देखिए, हमने इक्वल साइजेस के पेड़े बना लिए हैं। अब हम इसमें मैदा अच्छे से डस्ट करेंगे और इन्हें बेल लेंगे। छोटे छोटे बेल लेंगे पूरी के साइजेस में। ऐसे करते करते सारे बेल लेंगे। ये देखिए, मैंने सारे बेल के तैयार कर लिए हैं। अब मैं एक एक लोई लेके इसमें ब्रश कर लूँगी तेल से, ब्रश कर लूँगी इसे ऑयल से, या आप घी से भी इसे अच्छे से ब्रश कर सकते हैं। और इस पे थोड़ा सा मैदा डस्ट कर लूँगी। फिर मैं दूसरी लोई इसके ऊपर रख दूंगी, और इसमें भी ब्रश से ऑयल लगा दूंगी। अच्छे से लगाना है, हमें पूरे कॉर्नर्स में ऑयल पहुंचना चाहिए। और फिर तीसरी लोई रख लूंगी, इसमें भी ऑयल लगा लूंगी।
एक बार में छह से ज्यादा नहीं होने चाहिए, मैंने पांच लिए हैं, पांच या छह से ज्यादा नहीं होने चाहिए। देखिए अगर आपको लग रहा है कि आपकी लोई इक्वल नहीं बन रही तो आप किसी बाउल से भी इसे काट सकते हैं लोई की शेप में। तो अब मैं इसमें डस्ट कर लूंगी अच्छे से मैदा और इसकी बेस में भी डस्ट कर लूंगी मैदा। और इसे बेल लूंगी। एक लंबा सा हमें रोटी शेप का तैयार करना है। इसे बेल के तैयार कर लिया है, अब मैं इसे प्री हीटेड तवे में डालती हूँ। इसे हम 20-20 सेकेंड के लिए ऊपर की लेयर और अंदर की लेयर पका। देखिए अब मैं इसे टर्न कर लूंगी, 20 सेकेंड्स हो चुके हैं। आप जिससे भी कंफर्टेबल हो उसे टर्न करें, स्पैचुला से, जिस भी आप बड़े चम्मच से, चिमटे से, जिससे भी आप कंफर्टेबल हो आप उससे टर्न करें। बस इतना ध्यान में रखें कि हमें इसे पकाना नहीं है ज़्यादा, बस 20-20 या 30-30 सेकेंड्स अगर आप लो फ्लेम पे रखें, तो 30 सेकेंड्स अगर आप मिड फ्लेम में रखे हैं तो 20 सेकेंड्स आर इनफ। ये हो चुका है, ये देखिए अब हम इसके परते निकालते जाएंगे। देखिए बहुत ही आसानी से धीरे धीरे से निकलता आ जाएगा ये, बस हमें बहुत आसानी से इसे धीरे धीरे से निकालना है। देखिए ऐसे ही मैं निकाल के आपको सारी शीट्स दिखाती हूँ। ये देखिए ये समोसा सारी शीट्स को मैंने अलग अलग कर लिया है, ये एक, ये दो, ये तीन, ये चार और ये पांच। अब हम इसे बराबर पे रखेंगे और बिल्कुल बीच से ऐसे इसे एक कट लगाएंगे, इसे अच्छे से काट लेंगे। और ऐसे भी इसे काट लेंगे, बिल्कुल बराबर काटना है हमें। तो ये देखिए सारी शीट्स हमारी कट चुकी है समोसा पट्टी के साइज में। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए। तो ये सारी मैंने समोसा पट्टी के साइज में काट ली है। अगर आपको छोटे स्प्रिंग रोल्स बनाने हैं तो आपको इसे कुछ नहीं करना है, ये जो तिकोना मैंने काटा है इसी को आपको यूं कट करना है और यूं कट करना है। और ये हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे तो हम अपने चाट के ऊपर डाल सकते हैं, बहुत ही टेस्टी लगते हैं, बहुत ही क्रिस्पी कटते हैं। तो ये हमारी छोटे स्प्रिंग रोल की भी शीट्स तैयार हो गई हैं। इसे कुछ नहीं करना है, बस यूं ऐसे करके हम फोल्ड करेंगे और यहाँ से सील करेंगे और ये स्प्रिंग रोल बनके तैयार हो जाएगा। सेम ऐसे ही हमारा जो समोसा की शीट्स हैं उसे हम ये दो ऐसे लेंगे और अपने समोसे ऐसे तैयार कर सकते हैं। मैं आपको आने वाली रेसिपीज़ में इसका यूज़ करके दिखाऊंगी। ये मैंने जो पट्टियाँ काटी हैं छोटे स्प्रिंग रोल्स के लिए काटी है ताकि आप इसे छोटे छोटे बना लें, क्योंकि मेरे बच्चों को ये बहुत पसंद है तो मैंने छोटी शीट्स काटी है। हाँ, जिप लॉक में या सिल्वर फॉइल में रैप करके दिखाती हूँ। तो
कैसी लगी आपको ये रेसिपी? अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को करें सब्सक्राइब और मेरी ये रेसिपी को शेयर करें अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। मैं फिर मिलूंगी एक झटपट रेसिपी के साथ आपसे बहुत जल्द। तब तक के लिए बाय।